वेलकम बैक टू माई चैनल हम स्वाति होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाइट सूट मेकअप लुक काफ़ी ईजी होने वाला है तो फटाफट से अब हम अपने मेकअप को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ एन वाई बे ब्लर इन प्राइमर काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये बहुत ही अफोर्डेबल है इसका टेक्स्चर काफ़ी स्मूथ है आपके पोर्स को अच्छे से ब्लर इन कर देता है बहुत ही बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कंसीलर और कंसीलर के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है पर्पल सीक्रेट कीपर कंसीलर स्टिक और मेरा इसमें शेड है ट्वेल्व अब हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से कंसीलर को अब मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया एनवाई बे रन वे रेडिय रेडियंस कॉम्पैक्ट सॉरी बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ब्राउन आई शेडो और मैंने यूज़ किया है एसफ आ स्ट्रॉबेरी शेक आई शेडो पैलेट इसमें से मैंने लाइट ब्राउन शेड पिक करके एज अ ट्रांजिशन शेड अपनी आईलेट्स पर अप्लाई किया है नेक्स्ट मैं पिक करूँगी एक पिंक शेड और मैं अपनी ट्रांजिशन शेड के अव पिंक शेड को प्लेस करूँगी फिर ब्लेंड करूँगी मेनली हमें कलर को बिल्डअप करना है सो so, यहाँ पे हमारा पिंक शेड बिल्डअप हो चुका है ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से आउटर वी को ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई भी हार्श एजेस ना आ रहे नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये क्रीमिश शिमरी शेड काफ़ी प्यारी शेड है ये इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स मैं लगा लूँगी अच्छे से और यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छे से दिखे वो एरिया हार्श ना लगे नेक्स्ट मैं पिक करूँगी एक ऑरेंज शिमर शेड और इसे मैं अपनी आउटर वी पे अप्लाई करूँगी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश और मैं इस शेड को अच्छे से प्लेस करूँगी और हल्के हल्के ब्लेंड करूँगी नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी आई और आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे लिक्विड आई लाइनर इसकी एप्लीकेटर बहुत ही अच्छी है बहुत ही ईजी हो जाता है विंग आई लाइनर ड्रॉ करना यहाँ पे मेरी आई वाली क्लिप मिस हो गई है मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी एक्चुअली नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी फाउंडेशन और फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल लॉन्ग स्टे फाउंडेशन और मेरा शेड है ज़ीरो सिक्स काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है इसकी कवरेज बहुत ही अमेजिंग है मैंने इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था इस वीडियो के लिए एंड इट्स रियली रियली आसम बहुत, it, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है आई जस्ट लव इट द कलर बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है बहुत बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, है कवरेज इसकी बहुत ही अमेजिंग है सो नेक्स्ट so मैं यूज़ करूँगी वही कंसीलर जो मैंने पहले यूज़ किया था पर्पल सीक्रेट कीपर कंसीलर इन द शेड 12 और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपनी कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अब मैं यहाँ पे कर लूंगी कॉन्टोरिंग और कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज कर करी एन वाई बे कॉन्टोरिंग स्टिक इन द शेड कॉफी बहुत ही अफोर्डेबल है ये एंड बहुत अच्छे से कंटूर होती है इससे मैं यूजुअली पाउडर कंटूर प्रेफर करती हूँ बट मुझे इसे भी ट्राई करना अच्छा लगता है कुछ कुछ नया सीखना चाहिए सो <laughs> so, यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने कंटूर को नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर और अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी अब मैं स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को अच्छे से कॉम कर लूँगी सो so, आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन वॉक फ्री आईब्रो डिफाइनर काफ़ी अच्छा आईब्रो डिफाइनर है ये बहुत ही अफोर्डेबल है आपको अंडर हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा एंड बहुत ही ईजी हो जाता है इससे आईब्रो फिल करना सो so, यहाँ पे मैंने फटाफट से आईब्रो अपनी फ़िल कर ली है और पूली की हेल्प से एक बार फिर से मैंने कॉम कर लिया ताकि सारा प्रोडक्ट अच्छे से सेट हो से जाए नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे ब्लश इन द शेड सेलेस्टियल पिंक काफ़ी प्यारे पिंक शेड है ये मैंने रिसेंटली इसे परचेज किया है एंड आई एम इन लव विद दिस ब्लश बहुत ही क्यूट लगता है ये कलर मुझे सो so नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मार्स मस्कारा एंड ये आपको अंडर टू हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा एंड बहुत ही अच्छा है इसका एप्लीकेटर आप जैसे ही मस्कारा अप्लाई करेंगे आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे प्राइमर मैट लिपस्टिक इन शेड रूल ऑफ लाइफ वन ज़ीरो और इससे मैं थोड़ी थोड़ी सी अप्लाई करूंगी अपने लिप्स पे नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी नायका मैट लिपस्टिक इन द शेड रीगल रूबी काफ़ी प्यारी रेड शेड है और इसे मैं अपनी पहले वाले लिपस्टिक के ऊपर टॉप कर लूँगी सो so, अब मैं अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर और हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मार्स ग्लोजिला पैलेट इसमें आपको फोर हाइलाइटिंग शेड मिल जाएंगी एंड बहुत ही अफोर्डेबल है ये आपको अंडर थ्री हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएंगे एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक बहुत ही सिंपल सा सेटल सा मैंने मेकअप किया है वाइट सूट में होप यू गाइज लाइक इट And if you like it, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And also, don't forget to follow me on Instagram. Thanks for watching.